जिला किन्नौर में वर्तमान समय में बहुत से मेगा व माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन भी हैं और कुछ पूरे भी हो गए हैं, जो भाजपा सरकार में लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फंड जमा नहीं कर रहे हैं। यह आरोप विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में प्रेस वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि JSW टी टांग प्रोजेक्ट, काशक प्रोजेक्ट सहित अन्य प्रोजेक्ट से लाडा फंड प्राप्त होना है, परंतु भाजपा सरकार में 5 साल में लाडा की एक आधी बार ही बैठक हुई है और इसके अलावा कोई भी बैठक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब लाडा की बैठक नहीं होगी तो लाडा पॉलिसी के तहत कंपनियों में लाडा का पैसा आना, उसका हिसाब किताब, रोजगार का मुद्दा, कैट प्लांट का मुद्दा, RNR का मुद्दा, उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान में बहुत सारे मेगा और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन भी हैं और कई पूर्ण भी हुए हैं, जिसमें से JSW कंपनी का जो कच्छम वांगतू का प्रोजेक्ट है, इसमें आपका जो है यहाँ पर कशन प्रोजेक्ट है और इसके साथ में अभी शोरन और टिलोंग प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब में से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है प्राप्त होना है लाडा कमेटी को। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के 5 सालों में लाडा कमेटी की एक आध बैठक के सिवाय बैठक नहीं हुई, और जब लाडा की बैठकें नहीं होगी तो किस तरह से हम जो है जो हमारा लाडा पॉलिसी के तहत जो कंपनियों से हमें जो है लाडा का पैसा आना है उसका हिसाब किताब, उसके अलावा जो यहाँ पर रोजगार के मुद्दे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर RNR का मुद्दा है, कैट प्लान का मुद्दा है, उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हमने कई बार जो है सरकार से, प्रशासन से, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इसके चेयरमैन है, पहले तो MLA चेयरमैन थे, MLA को हटाकर BJP के सरकार ने DC को चेयरमैन बनाया हुआ है, मीटिंग ही नहीं हो रही है। हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए और लाडा के सारे काम बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, और लाडा का जो पैसा आना चाहिए था, JSW वाले भी पैसा नहीं दे रहे लाडा का, HPCL वाले भी पैसा नहीं दे रहे, और अन्य प्रोजेक्ट्स भी जो चाहे माइक्रो है चाहे मेगा प्रोजेक्ट्स है, वो लोग भी पैसा नहीं दे रहे BJP के राज में। ऐसा लगता है कि सरकार और कंपनियां मिली हुई है लाडा का पैसा नहीं देने के लिए, और इसी कारण जो है किन्नौर में लाडा फंड जो करोड़ों का आना चाहिए उससे किन्नौर के लोग वंचित है, किन्नौर का विकास रुका हुआ है और BJP की सरकार जो है इनका कंपनी के साथ बहुत बढ़िया सालगांठ चला हुआ है।